तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि एक ब्लॉक ए है। अब देखो, एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ब्लॉक ए इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, और ये इंक्लाइंड प्लेन रफ सरफेस है। दिस इज द ब्लॉक ए, और इस ब्लॉक के पास कुछ मास है, और ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। ये वाली लाइन ये वाली लाइन जो है वर्टिकल वाली लाइन है, और ये वाली लाइन यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन के है, और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है ना, और ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है। तो ये ब्लॉक इधर आ रहा है, लेकिन इस ब्लॉक के पास एक्सलेशन जीरो है। ये एंगल थीटा यहाँ से दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, कौन कौन फोर्स लग रहे हैं ये देखो। सबसे पहले देखोगे तो नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, जो कि वैल्यू एन होगी, और इधर आएगा बच्चों एम जी, जो कि हमें पहले से पता है। इधर आएगा स्ट्रिंग से बंधी हुई है टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी आएगा। लेकिन इधर एक और फोर्स आएगा जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है। अब एम जी के कॉम्पोनेंट कर दो, ए एंगल 45, ए एंगल 30 है सॉरी। तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस 30, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन 30। तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से तुम देखोगे, अब सिंस स्पीड, ध्यान रखना स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, तो स्पीड कैसे कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स जो है जीरो होंगे। तो नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया है, नॉर्मल तो एम जी कॉस 30 को बैलेंस किया है। वर्टिकल में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, लेकिन हॉरिजेंटल में स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन 30 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू टेंशन प्लस फ्रिक्शन काइनेटिक। अब टेंशन एक अननोन आ रहा है, तो बी से कैलकुलेटर कर लो। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बी पे टेंशन टी इधर लगेगा ऊपर, और इक्विलिब्रियम मेंटेन है। बी का मास एम डैश ले लो, जी नीचे लगेगा, तो टी की वैल्यू एम डैश जी आ जाएगी, जो कि हमें निकालना है। एम डैश की ही कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे एम जी यहाँ से आ जाएगा, एम जी साइन 30 इधर आ जाएगा, और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम डैश जी प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एल। तो यहाँ से एम डैश जी प्लस फ्रिक्शन म्यू यहाँ से आ जाएगा एम जी कॉस 30, ठीक ना। अब ये यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन 30। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो अगर मैं सबकी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से एम ने एम को कैंसिल कर दिया, और सॉरी एम ने कैंसिल जी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ एम बाई टू, और यहाँ से एम डैश और प्लस म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3√3, और यहाँ से एम और कॉस 30 साइन 60 √3/2। तो √3 ने √3 को कैंसिल कर दिया, तो एम बाई टू प्लस एम डैश और प्लस एम बाई सिक्स यहाँ से। तो एम डैश की वैल्यू आ जाएगी एम बाई टू माइनस एम बाई सिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2m/6 मतलब m/3। तो जो एम डैश की फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो कैपिटल m/3 होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा सवाल था, और आई होप कि ये दोनों कैंसिल हैं, आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।